धवन और अनुष्का शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म सुई धागा को लेकर काफी चर्चा में हैं। जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, अनुष्का के लुक पर काफी मीम्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। ये मीम्स काफी मजेदार हैं। इसी के साथ ही फिल्म के फेमस होने का एक बड़ा रीजन है फिल्म में अनुष्का का लुक। और अब इस फिल्म का एक मेकिंग वीडियो सामने आया है जिसमें अनुष्का कैसे बनी ममता, इसकी जर्नी को दिखाया गया है। दरअसल हाल ही में यशराज फिल्म्स ने एक वीडियो शेयर किया है। इसमें अनुष्का अपने किरदार के बारे में और मेकअप के बारे में बता रही हैं। अनुष्का ने बताया कि बिना मेकअप ममता की तरह दिखना मुश्किल से 20 मिनट का काम होता था। ममता के किरदार के लिए बिंदी, चूड़ी, गले में काला धागा पहनना जरूरी था। सबसे ज्यादा मुझे अपनी हेयर स्टाइल का ध्यान रखना पड़ता था। फिल्म में मेरे बाल काले रंग के और आगे से कर्ली नजर आ रहे हैं। ममता के किरदार के बारे में बात करते हुए अनुष्का ने बताया, जब डायरेक्टर शरद कटारिया और मनीष शर्मा ने इस फिल्म के लिए उनसे बात की थी तो वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि वो इस किरदार के साथ न्याय कर पाएंगी या नहीं। हालांकि मनीष और शरद के बहुत देर समझाने के बाद उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कर दिया था। अनुष्का ने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ये किरदार कर पाऊंगी। मैंने शरद और मनीष को बताया कि आपकी कहानी बहुत शानदार है और मुझे खुशी है कि इसे यशराज फिल्म्स बना रहा है, लेकिन ये रोल मेरी पर्सनैलिटी के लिहाज से बिल्कुल उलट है। अब आपको इस फिल्म में अनुष्का के लुक का ये मेकिंग वीडियो कैसा लगा, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।